Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये व्लॉग है संडे का, क्योंकि उसके बाद मैं कोलकाता से बाहर चली गई थी और बस यहाँ पूजा करके और लगाने लगी हूँ सनस्क्रीन। तो आपने देखा कि पूजा किस तरीके से डेली ही बेसिस पे इस तरीके से होती है, सारी जगह छोड़ के वो यहाँ, मतलब जहाँ मैं खड़ी हूँ वहीं आके बैठेगा, सोएगा भी वहीं। तो चलिए पूजा तो कर ली है और उसके बाद यहाँ नेहा जो आम ले आई थी, बस मैंने रात भर इस तरीके से किचन में ही छोड़ दिए थे, थोड़े हरे हरे थे। और देखिए साइज़ बहुत ही छोटा सा है मगर खुशबू इनमें बहुत अच्छी है। तो अब थोड़ी जगह बनाऊँगी फ्रिज में और इनको भी लगाऊँगी। मम्मी ने जो भेजे थे वो तो खैर कंटिन्यू में खाना भी हो रहा है आम, और तो शेक वगैरह भी बन जाते हैं, तो थोड़े से कम हुए मगर फिर भी अभी काफ़ी हैं। तो फ्रूट्स वगैरह तो फ्रिज में पूरे लोडेड बोलते हैं ना, फ्रिज मेरा पूरा लोडेड हो गया है मैंगो से। तो ये सारा ही काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि एस्ट्रो पूरे किचन के बीच में बैठ के सारा हिसाब देख रहा है कि कैसे क्या काम हो रहा है, शायद सीख रहा है कि हाँ ये काम ऐसे होता है और वो काम वैसे। तो यहाँ बैठ के देखता रहता और हटता भी नहीं है बोलने से, बीच में या तो लेट जाएगा या बैठ जाएगा। तो बस यहाँ आंचल अपना मुँह छुपा के निकली है ब्रेकफास्ट लेके, उसने बोला कि ज़बरदस्ती आपने कैमरा चालू कर दिया। एक्चुअल में वो सो के उठी हुई थी और मेरा कैमरा ऑन था, तो बस वो निकल गई। यहाँ बना रही हूँ वेज रायता बनाऊँगी और पुलाव बना रही हूँ। तो बस यहाँ थोड़ी बहुत साग सब्जियाँ हैं और यहाँ मैं आंचल को वही बोल रही थी कि आजकल एस्ट्रो देखता है कि जैसे ही कैमरा ऑन हुआ है तो ज़्यादा ही भाव खाने लगता है, इधर उधर देखने लगता है, अदरवाइज़ कैमरा के सामने से निकल के चला जाता है। तो उसके भी भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए आजकल। तो बस यहाँ नींबू मंगा लिए थे क्योंकि गर्मी में नींबू थोड़े लगते भी हैं, सिकंजी वगैरह बन जाती है, बाकी खाने में भी लगते हैं, तो इकट्ठे ही मंगा लिए हैं 8-10। और खीरा, प्याज, टमाटर, हरा धनिया डाल के जो रायता बनता है वो, और पुलाव बनाया था। और बस ये दोपहर को ही मम्मी ने फिर कॉल करके बोला कि भाई टिकट्स बन गई हैं, तो जिस जगह हम जा रहे हैं तो वहाँ ना तो मैं गई हूँ कभी, ना ही मम्मी गई हैं। तो आगे व्लॉग में आपको पता चलेगा कि कहाँ हम गए हैं, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी हम जाएंगे। तो बस यहाँ पे काट ली है फटाफट सब्जियाँ और धो के ले आऊँगी, और हमारा चॉपर जिंदाबाद तो उसी में सारा कुछ करके। तो बस सब्जियाँ थोड़ी छील लो ना, तो इस चॉपर में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है रायता वगैरह करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ बना ले रही हूँ रायता। चावल मंगा लिए थे डब्बे में, चावल एक्चुअली ख़त्म हो गए हैं, तो यहाँ फ़िलहाल दो किलो मैंने मंगाए हैं, अब इकट्ठा भरूँगी राशन। तो खीरा, प्याज और हरी मिर्ची को मैंने इसके साथ में ही कर लिया है। एक्चुअली हरी मिर्ची इसमें ठीक से कभी भी चॉप होती नहीं है, बाद में थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। और यहाँ पूरी ही 400 ग्राम दही मैंने ले ली है और हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, और जितनी भी वेजीज़ को मैं चॉपर में चॉप करूँगी तो सारा ही डाल दूँगी। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही रायता बनाऊँगी और इसमें बस ऊपर से थोड़ा भुना हुआ जीरा डाल लीजिए या चाट मसाला डाल लीजिए, मुझे ना तो भुना हुआ जीरा इसमें पसंद है ना ही चाट मसाला, बस ये ऐसे ही अच्छा लगता है, इसलिए बहुत ही कम क्वांटिटी में जीरा मसाला मैं डालती हूँ, बाकी जिनको लगता है वो ऊपर से डाल लेते हैं। तो बस यहाँ बना लिया था मैंने रायता और इसके बाद मैंने चढ़ाया था पुलाव। तो यहाँ रायता बनके रेडी है और ज़रा सा बिल्कुल जीरा पाउडर जो है रोस्ट करके रखा हुआ है थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी, थोड़ा बहुत टेस्ट तो अच्छा लगता है, बट ज़्यादा अगर गिर जाए ना ये तो बिल्कुल मुझे तो नहीं पसंद है, बाकी तो सभी डाल के खाते ही हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करने के बाद में आपको बताती हूँ, मुझे रिक्वेस्ट आई थी कॉमेंट सेक्शन में, मैंने पहले भी बताया है कि धनिया को कैसे मैं स्टोर करती हूँ। मैं अपने घर में बहुत सारा धनिया रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सभी में ही यूज़ करती हूँ, तो जो
जड़ है ना उसको बहुत ही कम काट के निकालिएगा, क्योंकि ये जो जड़ होती है इसकी, इसका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो जितना बारीक या मोटा आप जो भी जैसा काटते हैं धनिया, वैसे बारीक काटिए तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो बस यहाँ पे कट कर लूँगी, फ़िलहाल इतना धनिया है और बाकी थोड़ा रायता में भी डाल दिया है। तो कट करने के बाद में एक एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए और उसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश करके सुखा लीजिए, गीला नहीं होना चाहिए। और धनिया को भी धोइएगा मत, जैसे बाज़ार से आएगा बस वैसे ही रखना है इसको। तो इस तरीके से काट के एयरटाइट कंटेनर में आप बंद करके और फ्रिज में रखिए 6 से 7 दिन, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। जैसे जैसे आपको धनिया लगे उसमें से निकालिए, हाथ गीले मत डालिए उसमें। तो बस यही टिप है, धनिया बहुत अच्छे से रहता है। और अगर आप काट के नहीं रखते हैं तो कम से कम उसकी थोड़ी जड़ को काट के तब धनिया को आप स्टोर कीजिए। तो बस इस तरीके से कट कर लिया है धनिया और इसको अच्छी तरीके से एयर टाइट कंटेनर में बंद करके मैं रख दूंगी फ्रिज में। तो ये बिल्कुल 7 से 8 दिन तो इसको वाकई में कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा धनिया यूज़ करती हूँ। और आप चाहें तो जड़ को थोड़ा सा काट के, एंड अगर आपके पास में क्लीन फॉइल या ऐसा कोई भी पेपर नहीं है फूड आइटम वाला, तो आप न्यूज़पेपर में भी थोड़ा सा लपेट के इसको रख सकते हैं। वैसे भी ये 3 से 4 दिन या 5 दिन अच्छा रहता है। और यहाँ पुलाव बनके रेडी हो गया है, तो साथ के साथ ही कर दे रही हूँ किचन की क्लीनिंग। और क्योंकि मम्मी का कॉल आ गया था कि कल सुबह 5 बजे की हमारी फ़्लाइट है, तो बस उसकी भी तैयारी करनी थी। ऐसा एज सच मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी थी, क्योंकि जस्ट 24 आवर्स, या आप इस तरीके से समझ लो कि जैसे मैं आज गई हूँ और कल वापस आ गई हूँ, तो बस 24 घंटे से कुछ ही ज़्यादा हम वहाँ पर थे। ए चीची, सर्फ का डब्बा और वहाँ उस रूम की गेट के पीछे ब्लू कलर का दुपट्टा है, देना। बुलेट के साथ 1.9 विदाउट बुलेट 1.8 लड़के अफ्रीकन की तरह। और किचन का काम तो कंप्लीट हो ही गया था, तो लगे हाथ यहाँ लगा दे रही हूँ वॉशिंग मशीन। और जितना मुझे क्लीन करना था किचन का, काफ़ी कुछ मैं क्लीन करने के बाद ही वहाँ से निकलती हूँ, एंड बाकी का हाउस हेल्पर आएंगी तो वो सारा करेंगी फिर। तो बस यहाँ पे कपड़े लगा दिए थे, एंड उसके बाद में फिर मैं थोड़ा आधा पौन घंटा रेस्ट भी किया है। और तब तक फिर आ गए थे प्रदीप मामा, तो मैंने ही मम्मी को कहा कि जब हम दो ही जा रहे हैं, एक्चुअली ये वाला आइडिया मुझे दिया आंचल ने कि जब आप दो लोग ही जा रहे हो तो एक ही लगेज को आप कैरी करो, बस 24 घंटे की यानी कि एक दिन की ही बात है। तो मैंने बोला कि ये भी सही है, दो दो लगेज नहीं होगा। तो बस मैंने ही प्रदीप मामा को बोला कि 5-7 मिनट बैठो, मैंने चाय चढ़ाई है अपने लिए और मासी के लिए, तो आप भी पी के जाओ। तो बस यहाँ पे प्रदीप मामा ने भी चाय पी ली थी, साथ में खड़े होकर ऐसे ही बात कर रहे थे। उसके बाद में मैंने अपने 2 पेयर कपड़े, एक पेयर मैंने सेफ साइड ले लिया था ज़्यादा, तो बस यहाँ पे पेपर बैग में दे दिया था। तो प्रदीप मामा निकल गए थे, तो वही मैंने मम्मी को बोला कि आप अपने बैग में लगा लेना। तो यहाँ ये लेकर चले गए थे, और ये सारा हाल बैठ के एस्ट्रो देख रहा है कि कपड़े पैकिंग हो रहे हैं, फ़ोन में बात कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये लोग समझते नहीं हैं, मगर सब समझते हैं। हमारा एस्ट्रो तो सारी बातें, हमारी सारी भाषा समझता है। तो बस बैठ के एक एक कोने में मुझे देख रहा है। और हमारे एस्ट्रो को सूटकेस या बैग निकलता है जब पलंग से पैकिंग के लिए, तो उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि नफ़रत है। क्योंकि जितने बार निकलता है वो देखता है कि घर से कोई ना कोई चला जाता है, गायब हो जाता है। पिछली बार निकला था तो चिंकी भैया ऐसे गए कि अभी तक आए ही नहीं है, तो वो ये सब चीज़ उसके दिमाग में रहता है। बस उसके बाद में अब मैं आपसे मिल रही हूँ रात को, जाऊँगी अब सोने के लिए, डिनर वगैरह हो चुका है और ज़्यादा टाइम भी अभी हुआ नहीं है। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल भोर की फ़्लाइट है, तो बस जल्दी से चेंज वगैरह कर लिया, रोटियां बना के, और उसके बाद में फिर मैं जाके सो गई थी, क्योंकि बहुत जल्दी उठना भी है, रात को ही उठना है। बज रहे हैं रात के 9:35 और सारा ही काम हो गया है, रोटी बनाना, किचन क्लीनिंग, सब कुछ। और मैंने भी डिनर कर लिया, मैं तो जल्दी खा लेती हूँ। और मेरी मम्मी का प्लान बना है बिल्कुल अचानक से, बोलते हैं ना, कुछ दिनों से बोल रही थी कि जाना है जाना है, अब एकदम भोर की, कल सुबह की 5 बजे की हमारी फ्लाइट है मेरी और मम्मी की। तो बस सोने जा रही हूँ, थोड़ा नींद भी पूरी हो जाएगी। प्रदीप मामा आए थे, उनसे अपने 2 जोड़ी कपड़े भेज दिए हैं, क्योंकि हम दो ही जा रहे हैं, तो मैंने बोला एक ही लगेज कैरी कर लेंगे, सिर्फ 24 घंटे का है। जैसे कि आज जा रहे हैं, कल वापस आ जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं?
सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस अभी मैं फिलहाल अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हूँ और जहाँ जा रहे हैं वहां मैं और मम्मी कभी गए भी नहीं है। तो बस अब जा रही हूँ सोने के लिए, आपसे मिलूंगी रात के 2 से 2:30 बजे के अंदर, क्योंकि 3 बजे हम लोगों को एनी हाउ एयरपोर्ट के लिए निकलना ही है। गुड नाइट। तो बस ये रात के कुछ 2:17 यानी कि कुछ आधी रात ही हो रही थी, तो उठना तो ज़रूरी था इसी टाइम पे क्योंकि 5 बजे की फ़्लाइट थी। एंड बस वॉशरूम में जाके मुँह हाथ धोया है एंड उसके बाद में थोड़ा बैग वगैरह चेक करके फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। एंड मंडे के व्लॉग में एक कमेंट आया था, बट ड्यू टू सम बिज़ी शेड्यूल मैं कोलकाता से बाहर भी थी तो मैं कमेंट देख नहीं पाई थी। कल रात को ही मैंने कमेंट देखा है। एंड मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है जानकी जी, तो उन्होंने बताया कि उनकी दादी अब नहीं रही, जो कि मेरी फॉलोवर थी और मेरे वीडियोज़ को काफ़ी लाइक किया करती थी। तो बस उनके लिए 2 शब्द ज़रूर बोलना चाहूँगी, दैट आई एम फीलिंग लाइक इट्स माई पर्सनल लॉस। आई नो इट्स नॉट ईजी टू कोप अप विद द सिचुएशन, बट टेक केयर डियर। आई एम ग्रेटफुल दैट योर दादी लाइक्ड माई कॉन्टेंट। वो जहाँ भी हैं बिल्कुल खुश रहें, अच्छे से रहें और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। जा रही हूँ नहाने के लिए, 2:25 हो रहे हैं, नींद इतनी आ रही है, नींद पूरी नहीं हुई है ना। कोई बात नहीं, फ्लाइट में सो जाएंगे और बस जा रही हूँ नहाने के लिए। और वहाँ मम्मी भी उठ गई है, भैया जा रहे हैं छोड़ने के लिए एयरपोर्ट, तो बस अब जा रही हूँ नहाने। तो बस उसके बाद यहाँ आधी रात को मैं चली गई थी नहाने के लिए क्योंकि 5 बजे की फ़्लाइट थी हमारी और 2 घंटे पहले तो एयरपोर्ट में पहुँचना ही है। तो बस यही वाली साड़ी मैंने वेयर कर ली थी उस दिन, आप लोगों को सबको मैंने पहन के जब वेयर करके दिखाया था, तो ये इतनी लाइट वेट है और इसको पहन के मुझे इतना अच्छा लगा कि फ़ील ही नहीं हो रहा था लाइक साड़ी में जैसे अड़चन होती, वैसा कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा चलो यही वाली पहन लेते हैं, तो यही साड़ी पहन के रेडी हो गई थी मैं। बना लिया है अपना फेवरेट वाला जूड़ा, क्योंकि स्ट्रेटनिंग करा लो या कुछ भी, मैं बाल खुले रख के नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मुझे एक अड़चन फील होती है, आदत ही नहीं है मुझे। और यहाँ लगा ली थी ये लिपस्टिक, अगर आपको पसंद आई है और कलर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसका जो नंबर होता है लिपस्टिक का वो बता दूँगी। और यहाँ रेडी हो गई थी और बज रहे हैं रात के कुछ 3 ही बज रहे हैं, तो बस यहाँ पे अपने भगवान को प्रणाम करके और यहाँ मैं निकल गई थी। और मम्मी की बिल्डिंग के नीचे में भैया गाड़ी लेके खड़े हुए थे, भैया ही गए थे हम लोगों को छोड़ने के लिए। आंचल ने बोला कि रात का समय हो रहा है और आप इस तरीके से एकदम सामने ही हैं, मगर उसने जाने ही नहीं दिया कि पापा आप जाइए, बैग लेके छोड़ के आइए, अकेले नहीं जाएंगे। तो बस वहीं पर गाड़ी के पास में छोड़ दिया था और वहीं फिर भैया मुझसे पूछ रहे थे कि आईडी वगैरह सारा सब कुछ ले लिया है ना। एंड बस अब हम पहुंचने ही वाले थे एयरपोर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट इस तरीके से लगा था पहुंचने में, क्योंकि मेरे घर से एयरपोर्ट काफ़ी पास में है, तो जब भी फ़्लाइट होती है एक बार तो यही सोच के हम थोड़ा लेट ही निकले थे। और उस टाइम मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि लेट निकले थे, उस दिन कुछ ज़्यादा ही रश था एयरपोर्ट में, तो बस हमारी फ़्लाइट छूट गई थी आप समझ लो सिक्योरिटी चेकअप वगैरह के चक्कर में। तो अब तो हम पहले ही 2 घंटा पहले जाके बैठ जाते हैं कि बैठ जाओ वो अच्छा है, फ़्लाइट नहीं छूटनी चाहिए। तो बस यहाँ पे चेकिंग जो स्टार्टिंग में गेट पे होती है वो हो गई थी और अब सीधे जा रहे थे। तो यहाँ से थी हमारी फ़्लाइट, आई थिंक इंडिगो की थी, तो बस यहीं पर आ गए थे। लगेज वगैरह हमने दिया नहीं था क्योंकि लगेज इतना था भी नहीं और एक छोटा सा बैग मैंने अपना खुद का भी कैरी किया था जो
थोड़े जो छुटपुट सामान तो रहता ही है, ट्रेवल करने जाओ तो वो सामान बढ़ना ही बढ़ना है, तो बस वो मैंने ले लिया था। सामान हमने खुद के साथ में ही कैरी किया था, लगेज में नहीं दिया था। तो बस यहाँ पे जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी यहाँ पर एंड सिक्योरिटी चेकअप बैगेज में सब कुछ करने के बाद में अब हम जा रहे हैं, बैठेंगे फ्लाइट के लिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। काफ़ी समय हम लोग ने वेट किया और बस सुबह का टाइम तो हो ही गया था क्योंकि 3 बजे के करीब, 3:05 या 3:10 इस तरीके से कुछ हो रहे थे, निकल गए थे। तो मम्मी ने बोला कि ला एक कॉफ़ी ले आ और देख लेना कोई बिस्किट मिले तो मेडिसिन ले लेंगे सुबह वाली। तो बस यहाँ पे एक कॉफ़ी ली और आपको बताऊँ, एक कॉफ़ी और एक कुकीज़, सिर्फ एक कुकीज़ और एक कॉफ़ी मैंने मम्मी के लिए ली थी। मैंने बोला मुझे नहीं पीना है, वो 370 रुपये की आई थी, तो मैंने बोला हो गया बंटाधार मैंने बोला और पियो एयरपोर्ट में, 370 में पूरा खानदान 4 टाइम पी ले कॉफ़ी, बताइए इतना महंगा कुछ होता है। एंड फाइनली बस हमारी बोर्डिंग हो गई थी और यहाँ आप जा रहे हैं फ़्लाइट में। तो मिलूंगी आपसे, कहाँ गए हैं, किस लिए गए हैं, किस पर्पज़ से गए हैं, नेक्स्ट व्लॉग में आपको मालूम पड़ेगा। तो चलिए बैठ गई हूँ फ़्लाइट में, उड़ूंगी इसी फ़्लाइट के साथ में। तो अब करती हूँ आप लोगों से बाय बाय क्योंकि उड़ने वाली हूँ। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।